अलीगढ़ के घंटाघर पार्क में गौरव सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के महिलाओं और छात्राओं ने दिल्ली में हुए बेहद शर्मनाक अंजलि हत्याकांड को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और अंजलि की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा। जानकारी देते हुए गौरव ने बताया कि भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर 2022 की रात्रि में देश की आदर्श बालिका की बेहद शर्मनाक हत्या की गई थी, जिससे पूरे देश की महिलाएं व छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी प्रकार आपके कुशल नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश में भी माताएं बहनें अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जबकि आपने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कराने का संकल्प ले रखा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि दिल्ली जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, आप अपने स्तर से पुलिस को सख्त से सख्त निर्देश जारी करें। उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर समस्त पुलिस बल चौराहों पर ज्यादातर अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है, उन सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं। उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय एवं महाविद्यालयों पर छात्राओं की सुरक्षा हेतु रोमियो स्क्वाड को पुनः सक्रिय किया जाए। उत्तर प्रदेश के समस्त धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाने वाली महिलाओं की युवतियों की विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएं। अलीगढ़ से लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। सरकार को टाइम टेबल बनाना चाहिए, जो जॉब पर जाती है लड़कियां उनको टाइम टेबल बनाना चाहिए कि 6 बजे तक के लिए बाहर निकलें, बस उसके बाद ना निकलें। अगर इमरजेंसी में जाना है तो उनके पेरेंट्स या उनका कोई भी रिश्तेदार है साथ में जाना चाहिए। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख सकें उसके लिए महिलाओं को किस तरह की सलाह देंगे? महिलाएं अपने आप सुरक्षित रखने के लिए आसपास का वातावरण देखकर जाएं, जहां जाना है पहले उसकी अच्छी से जानकारी ले लें। आजकल तो नेट का मोबाइल से नेट से निकाल सकते हैं आप उस एरिए को, अगर वो एरिया सही है आपको लगता सही है तो जाना चाहिए, नहीं उसकी किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए सही है या नहीं जाना चाहिए। आज आपने किस तरह से श्रद्धांजलि दी है?